हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। आज हम बात करेंगे बीएड का फ्यूचर क्या है, यानी बीएड किन किन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, बीएड पीआरटी में किस किस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं DSSSB, KVS, सुपर टेट। रीट और एक एग्जाम आपका होता है AEES का, जिनमें पीआरटी की वैकेंसी निकली थी और आपने फॉर्म भी फिल किया होगा। अगर आपने बीएड कर रखी है तो आप किस किस लेवल पर, यानी पेपर 1, पेपर 2, आप किसके लिए फॉर्म भर सकते हैं या पीआरटी के लिए एलिजिबल है पेपर 1 वाले। जैसे आप सभी को पता ही है कि DSSSB में पेपर 1 एलिजिबल है बीएड वालों के लिए, यानी आप बीएड के, अगर आपने बीएड करी हुई है DSSSB में, आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए आपका सीटेट का। किसका? सीटेट का आपका पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं KVS में, तो आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है प्राइमरी के लिए। प्राइमरी के लिए यानी पीआरटी के लिए आप एलिजिबल हैं। सुपर टेट और रीट का अभी पक्का नहीं है, क्योंकि सुपर टेट कोर्ट के अधीन है। जैसे ही कोर्ट डिसीजन लेगा वैसा ही यहाँ पर होगा। रीट में अभी कोर्ट ने मना किया है कि बीएड वाले एलिजिबल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हैं। उनका पेपर 1, सीटेट पेपर 1 का रिजल्ट भी रोक लिया था। और जैसे ही यूपी टेट का भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था बीएड वालों ने, उनका भी पेपर 1 जो है उसका रिजल्ट अभी रोक रखा है। और जैसे AEES है, इसमें भी प्राइमरी में बीएड वाले एलिजिबल हैं। अभी तक क्या होता था, पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के लिए डिप्लोमा एलिजिबल होता था। डिप्लोमा, डिप्लोमा में क्या, जैसे आपने DLED कर रखा है या BTC, जैसे पुराना नाम इसका BTC था, BTC क्या हुआ है, अब तक ये एलिजिबल थे। लेकिन अब धीरे धीरे डिप्लोमा का जो प्रचलन है वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि पीआरटी में भी बीएड को एलिजिबल करना शुरू कर दिया है DSSSB ने, KVS ने। और 2019 में KVS ने भी स्टार्ट किया था कि आप प्राइमरी, आपने अगर बीएड कर रखा है तो आप प्राइमरी में टीचर जो है वो बन सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर, यानी बीएड वालों का फ्यूचर क्या है, तो इस पर भी चर्चा करते हैं। जैसे अभी तक आपको पता है कि ज़्यादातर सभी एग्ज़ाम में बीएड को एलिजिबल किया जा रहा है, और साथ में 4 साल वाला कोर्स भी एलिजिबल है। जैसे बीए बीएड और इस तरीके के जो 4 साल वाले कोर्स अभी स्टार्ट हुए थे 1-2 साल पहले, वो एलिजिबल किए जा रहे हैं। और एनपीई ने भी कहा था कि 2030 तक जो डिप्लोमा है वो समाप्त हो जाएगा और आप बीएड वाले ही एलिजिबल होंगे। मेरी पर्सनल सजेशन है, अगर आप डीएलएड या बीएड में से, अगर आप डीएलएड या बीएड में से कोई एक करना चाहते हैं, तो आप बीएड को प्रेफरेंस दीजिए, डीएलएड को मत दीजिए, क्योंकि 2030 तक का इसका फ्यूचर जो है वो ख़त्म होने वाला है। इसके बाद बीएड ही एलिजिबल होंगे। अभी जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, 2030 तक वैकेंसी जरूर आएंगी। और अभी आपने देखा भी था, ट्वीट किया भी था कि 10 लाख वैकेंसी जो है भरी जाएगी आने वाले 1.5 साल में, और उसमें टीचर की भी वैकेंसी है, नॉन टीचर की भी वैकेंसी है। तो टीचर में ज़रूर वैकेंसी निकलेगी, DSSSB में या आपके अन्य एग्ज़ाम में निकलेगी। जैसे स्टेट का टेट होता है, जैसे बिहार का, अभी आपने देखा होगा बिहार TET जो है वो परीक्षा कैंसिल कर दी गई। वहाँ पर सीटेट को ही प्राथमिकता दे दी गई है कि अगर आपने सीटेट कर रखा है तो आप बिहार का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर अदर एग्ज़ाम में भी होता है, तो आप उससे पहले ही अपना सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, और ये सीटेट आपका लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल है। आप एक बार इसको पास कर लीजिए, बार बार झंझट नहीं है। आप सीटेट पेपर 1 को क्वालिफाई करके रखें,
अगर आप बीएड वाले हैं और पेपर टू को भी आप क्वालिफाई करके रखें, जिसकी भी वैकेंसी आएगी वही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब बात करते हैं सुपर टेट। सुपर टेट यूपी में एग्जाम होता है, यूपी में जो वैकेंसी निकलती है टीचर की उसी का नाम है सुपर टेट। तो सुपर टेट का अभी कोर्ट के अंदर है कि आप बीएड वाले इलिजिबल हैं पीआरटी के लिए या नहीं। जैसे ही कोर्ट का डिसीजन होगा, याचिका भी दायर की कर रखी है और केस की सुनवाई भी होती रहती है, जैसे ही कोई फैसला आएगा वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी आप DSSB पर फोकस करिए, KVS पर करिए और AEES पर फोकस करिए जो फॉर्म फिल किए जा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी कि DLED का फ्यूचर क्या है, यानी अगर आपने DLED कर रखी है तो आप कहाँ कहाँ एलिजिबल है, ये वीडियो हमारी नेक्स्ट आएगी। अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस YouTube चैनल को और लाइक भी जरूर करिए, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। आपका कोई भी कमेंट है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, जल्दी उसका रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू। सो गाइज, आज हम बात करेंगे सुपर टेट 2022 के लिए सबसे अपडेटेड और बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो वो आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगी चक्षु पब्लिकेशन की। वो किस लिए, तो इसके पीछे रीजन देखते हैं किस वजह से इसको बेस्ट बताया गया है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तो है गाइड, इसकी अलग अलग बुक्स भी आती है, अलग अलग सब्जेक्ट की। गाइड लेना चाहे तो गाइड भी ले सकते हैं, सारे सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, दैनिक विज्ञान, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपकी क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ आपको पिछले 4 महीने की इसमें करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएगी। बहुत अपडेटेड बुक है, लेटेस्ट है और साथ ही साथ पिछले 2 वर्षों के यहाँ पर प्रश्न पत्रों को भी हल किया गया है। तो फुल पैकेज है आपके लिए। इसमें कुल 5,000 बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं, आपके अध्यायवार क्वेश्चंस भी और थ्योरी, उसके बाद फिर क्वेश्चंस। साथ ही एक और यहाँ पर बेहतरीन बात ये है कि आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन अपना यहीं पे रख के पढ़ना है। आपके सामने विश्लेषण चार्ट होगा, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए पहले पढ़ना हो। और इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं। साथ ही आपके किसी भी आसपास के जो आपका बुक स्टोर होगा वहां भी आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो मैटर की अगर बात करूं तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये प्रीवियस ईयर पेपर से के लिए भी आपको कोई अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, इसी में दिए गए हैं और पूरा एक्सप्लेन करके सभी इनके उत्तरों को बहुत आसानी से आप सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहे तो प्रैक्टिस सेट भी इसके अवेलेबल होते हैं। जैसे ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद सबसे जरूरी स्टेप आपको जो लेना है वो है प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट जितने सॉल्व आप कर लेंगे दोस्तों उतनी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी।